दोस्तों कैसे हैं आप लोग। होप कर रहा हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे। और आज हम लोग निकलते हैं एक नए सफर में। यस, गंगा नदी के सफर में निकलते हैं। और ये सफर के दौरान हम लोग जानेंगे कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कैसे होते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए चलते हैं हमारे सुहाने सफर में। सुनो दोस्तों, आ गए हम अपने नदी में और नदी का पानी यहां पे ठहरा हुआ है। तो हमको मिलेगा ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बोट। ठहरे हुए पानी में जो बोट का स्पीड होगा, दैट विल बी ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बोट। एंड हम सपोज करते हैं कि अपने बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आर है। अब यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों कि नदी का खुद का एक बहाव है। सो वो बहाव का स्पीड है हमने पता नहीं है फिर से। तो हमने ये सपोज कर लिया कि जो बहाव नदी का जो स्ट्रीम है उसका स्पीड खुद का y किलोमीटर पर आर है। दोस्तों अब आप देख रहे हो कि हम अपना बोट चला रहे हैं, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? यस, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग अपना बोट चला रहे हैं। सो इस वक्त पे हम बोलेंगे वी आर ट्रैवलिंग अप द स्ट्रीम, है ना। सो इसको ही, ये सिनेरियो को ही बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। एंड इस वक्त पे स्पीड ऑफ द बोट विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर, दैट इज स्पीड ऑफ द बोट माइनस ओरिजिनल स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो स्पीड ऑफ द बोट एट अपस्ट्रीम विल बी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर। सो दोस्तों नदी के सैर सपाटे पे मजा आ रहा है कि नहीं? यस। अब आप ये सिनेरियो में देख रहे हो कि हम अपना बोट लेके वही डायरेक्शन में जा रहे हैं जैसे नदी का बहाव जा रहा है। सो वी आर ट्रैवलिंग अवर बोट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इटसेल्फ। सो ये सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग इन द डाउनस्ट्रीम। सो ये डाउनस्ट्रीम के वक्त अपना स्पीड ऑफ द बोट विल बी इक्वल्स टू ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, है ना। सो दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर। सो डाउनस्ट्रीम के वक्त स्पीड ऑफ द बोट विल बी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर। एंड बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। आप लोग को होप कर रहा हूँ कि सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, अलविदा।